हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एन सी ई आर टी जोन में। फ्रेंड्स, हम लूसेंट का जीके कर रहे हैं, इसमें केमिस्ट्री कर रहे हैं। ठीक है, इसका ऑलरेडी 3 चैप्टर कंप्लीट है, फोर्थ चैप्टर हम केमिकल बॉन्डिंग इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। 3 चैप्टर आप देख सकते हो एन सी ई आर टी जोन के प्लेलिस्ट में जाके, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी उसका लिंक होगा, आप देख सकते हो। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग, बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? बॉन्डिंग का मतलब होता है दो जुड़ाव, जुड़ाव ये होता है ना कि दो लोगों का मिलना, ठीक ना, बॉन्डिंग होती है। तो अगर केमिकल बॉन्डिंग का मतलब होता है कि किसी दो एटम का मिलना, मान लो कोई मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल मैं मान लेता हूँ NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम एक एटम है, क्लोरीन एक एटम है, दोनों का आपस में मिलना, इसको बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। द फोर्स, ऐसा फोर्स जो कि इन दोनों को साथ रखे रहता है, इन दोनों को अलग नहीं होने देता है। अगर अलग हो जाता तो हमारा काम ही कोई, फिर केमिकल रिएक्शन ही नहीं होते। तो कोई ना कोई ऐसा फोर्स तो है जो एक दूसरे के साथ जोड़ ही रखता है, कोई ना कोई ऐसा तो फोर्स है। तो उसी फोर्स की बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, इसमें कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है इलेक्ट्रॉन का। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि Na के, देखो Na में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होता है, 281 आपको बताया था पिछले लेक्चर में। क्लोरीन के पास कितना होता है, 2 और 7। तो भाई इसके पास अगर एक एक्स्ट्रा है, एक अपना हटा देगा तो ये स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि आउटर ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन। फिर ये इसके पास आ जाएगा तो इसके पास भी 8 हो जाएगा, तो अब दोनों स्टेबल। तो ऐसा क्यों नहीं बनाना चाहेगा कि इसके पास एक्स्ट्रा है वो दे दे, इसके पास एक कम है वो ले ले। तो अब ऐसे जो रिएक्शन बनाएगा, तो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफ़र कर दिया इन दोनों, इसको तो Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करके Cl के पास दे दिया। तो Na ने क्या क्या उधार दिया है, तो जो उधार देगा वो पॉजिटिव में रहेगा। ये तो भले ही इसने स्टेबल हो गया, भले कर्जे में ही स्टेबल हुआ है ना, भले ही ये स्टेबल हो गया, लेकिन कर्जा लेके स्टेबल हुआ है। तो जब भी कर्जा रहता है, लोन रहता है, तो आप निगेटिव में ही रहोगे, ठीक है ना। तो Cl पे इसलिए माइनस, Na पे प्लस। तो इस टाइप के बॉन्ड को बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। इसमें क्या होता है, बॉन्ड अपना इलेक्ट्रॉन, एक एटम ने अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दिया दूसरे एटम को, ताकि दोनों स्टेबल हो सके। स्टेबिलिटी इसका मोटिव होता है। अगर ऐसा कुछ नहीं होता, मान लो Na के आउटर में 8 होता, तो क्यों देता भाई? जैसे क्या नियोन दे पाता? नियोन, नियोन के होता है 2 और 8, नहीं देगा भाई, खुद स्टेबल है। खुद की अनस्टेबिलिटी, खुद अनस्टेबल हो के दूसरे को स्टेबल करेगा, ऐसा नहीं हो सकता, इतना भी महान नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद कंडीशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड, के आयोनिक बॉन्ड बनने के लिए एक कंडीशन होना चाहिए। कंडीशन क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल शुड बी लो एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नॉन मेटल शुड बी हाई। देखो आप इसमें बताओ, इसमें मेटल कौन है, नॉन मेटल कौन है? Na सोडियम एक मेटल है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है। तो मेटल का आयोनाइजेशन एनर्जी कम होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रॉन तोड़ने में एनर्जी क्या कम लगती है। इलेक्ट्रॉन अगर तोड़ने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, तो क्यों देगा भाई उस दूसरे को? आप एक रिएक्शन करवा रहे हो, रिएक्शन में आपकी सारी एनर्जी खत्म हो जा रही है, तो रिएक्शन आप क्यों करोगे, और उसका फ़ायदा कुछ हो ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ये मेटल है, मेटल जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को तोड़ने में कम समय लगे या तोड़ने में कम एनर्जी लगे, ठीक है ना। तो और जो नॉन मेटल है, उससे उसके इलेक्ट्रॉन पाने की चाहत बहुत ज़्यादा हो, तभी आपस में मिल सकते हैं। क्या 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 कंडीशन है, पहला जो मेटल है यानी ये मेटल है, इसके इलेक्ट्रॉन तोड़ने में एनर्जी कम लगे, और इसके चाहत बहुत ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन पाने की। तो ये दोनों जब कंडीशन मिलते हैं, तभी रिएक्शन होता है। क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन ब्रेक करने की एनर्जी शुड बी लो, कम ही एनर्जी, दोनों इलेक्ट्रॉन टूट जाएगा, और इसकी चाहत बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन पाने की चाहत में बहुत ज़्यादा चाहत है। तो इसके बाद क्या होगा, तब दोनों की फुलफिलमेंट हो गई, इसको देने की जल्दी, इसको लेने की जल्दी है, हो जाएगा काम। उसके प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है आयोनिक बॉन्ड का, आयोनिक कंपाउंड है हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि जैसे ही मिल जाता है दोनों, अगर मिल जाए तो
तो अब जल्दी से वो पिघलना ट्राई नहीं करेगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है क्योंकि दोनों स्टेबल बॉन्ड बना लेते हैं। स्टेबल बॉन्ड बनाए तो हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। आयोनिक कंपाउंड आर गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट और इन वाटर, मतलब जैसे ही दोनों को वाटर में रखा जाता है तो दोनों गुड मतलब इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर से उधर ट्रांसफ़र होने लगते हैं, तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी तो अच्छे से मतलब इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से जाती है। आयोनिक कंपाउंड अगर सॉलिड स्टेट में हो तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। आयोनिक कंपाउंड वाटर में सोलोबल होता है, हमने ऊपर ही देखा सोलोबल है वाटर में, तभी तो वहाँ वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी तो हो जाता है। उसके बाद आयोनिक कंपाउंड आर इनसोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होंगे वहाँ पे उसमें नहीं घुलता है, जैसे बेंजीन C6H6, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, इन दोनों चीज़ में देखो इसका आपको पता होना चाहिए, बेंजीन का होता है C6H6 और कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, इन दोनों में पिघलेगा नहीं, इन दोनों में इनसोल्यूबल होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है। उसके बाद कॉमन सॉल्ट जो हम यूज करते हैं सोलोबल है वाटर में, इसका मतलब इन केस दैट हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज बाय वाटर इज मोर देन द लैटिस एनर्जी ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये टॉपिक हमने पिछले वीडियो में आप डिस्कस किया है, आप देख सकते हो, ठीक है ना, कि इसका जो मतलब इसमें हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ वाटर, मतलब वाटर में की जो हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी वो लैटिस एनर्जी से कम होगा, वो ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना, ज़्यादा होना चाहिए तो हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, आप नहीं समझ में आया तो पिछले वीडियो देखिए, क्योंकि सारा वीडियो कनेक्टेड होता है केमिस्ट्री फिजिक्स इन सब में, बायोलॉजी में, ठीक है ना। सेकंड है कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड में देता नहीं है भाई, हाइड्रोजन के पास एक ही है तो क्यों देगा दूसरे हाइड्रोजन को, ठीक है ना। Cl के पास, दोनों के पास एक एक कमी है, क्यों देगा दूसरे को भाई, ये स्टेबल होना चाहेगा, क्यों रिश्तेदार थोड़ी लगता है कि दे देगा, तो इसलिए क्या बनते हैं इन दोनों, ये दोनों शेयर कर लेते हैं, ठीक है ना, शेयर कर लेते हैं कि वो चलते हैं, आपकी भी कमी है मेरी भी कमी है, दोनों पूरा हो जाए। जैसे इसके पास 7 था तो एक इसने इसके साथ शेयर कर लिया, तो 1 2 2 4 2 6 8, इसके लिए 2 2 4 2 6 8, 8 स्टेबल हो गए, ए भी 8 हो गया ऐसे, ये ऐसे, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू और डिफरेंट एटम, सेम भी हो सकता है जैसे यहाँ पे सेम है, डिफरेंट भी हो सकता है बाई म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन, कि दोनों का काम हो जाए बस, ठीक है ना, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोवेलेंट बॉन्ड यही होता है, ठीक है ना। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कोवेलेंट बॉन्ड में फॉर्म, कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्ट नहीं करते, एक्स्ट्रा रहते हैं यार, एक्स्ट्रा। लोन का नाम एलोन समझ याद रख सकते हैं, एलोन का मतलब अकेला बैठा पड़ा है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। जैसे आप NH3, जैसे मान लो NH3 देखते हो, तो यहाँ से H1H1H तो देखो, और इसके पास N के टोटल आउटर में कितना होता है, N का टोटल 7 होता है ना, तो सबसे पहले 2 और उसके बाद 5, टोटल 7 हुआ, तो आउटर में कितना 5, तो 1 2 3 और 2 बचा ना भाई, इसके साथ कोई आता ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं लोन पेयर, ठीक है ना। ये याद देखो, N में कितना है, 1 लोन पेयर, ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर, ठीक है ना। अब कोवेलेंट बॉन्ड की, कोवेलेंट बॉन्ड का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, देखो उल्टा, बिल्कुल उल्टा होता है उसका, मतलब बिल्कुल उल्टा भी तो नहीं बोल सकते, कुछ कुछ चीज़ों में उल्टा होता है। कोवेलेंट बॉन्ड का भी हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है सेम आयोनिक कंपाउंड की तरह, लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है, दे आर जनरली बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वहाँ पे दो चीज़ था, वहाँ पे पानी में या सोलूबल में या लिक्विड स्टेट में क्या होता था, गुड कंडक्टर, सॉलिड में बैड, लेकिन यहाँ पे बैड कंडक्टर होता है सिर्फ और सिर्फ ग्रेफाइट को छोड़ते, ग्रेफाइट जो पेंसिल में यूज नहीं होता उसके बारे में करता है। दे आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर, वो क्या था, सोलूबल था, इनसॉल्युबल, उल्टा है यहाँ पे। देर देखो उस, वो सॉल वाटर में क्या था, वो वाटर में पिघल जा रहा था, लेकिन वाटर में नहीं पिघलेगा, लेकिन वो इसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या पोलर सॉल्वेंट में नहीं पिघल रहा था, ये पिघल जाएगा। देखो बेंजीन, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, इन सब में पिघल जा रहा है, ठीक है ना, उल्टा है, ये भी उल्टा है और ये भी पॉइंट उल्टा लिखा है। उसके बाद कोवेलेंट बाई डायरेक्शनल होते हैं, डायरेक्शनल, ठीक है ना, ठीक है ना। उसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप है कुछ, देखो एक देखो क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, देखो क्या होता है यहाँ पे मैं बताता हूँ।
कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन विच वन एटम डोनेट इलेक्ट्रॉन टू अदर एटम. द बॉन्डिंग बिटवीन डोनर टू एक्सेप्टर एटम इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड. कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? डोनर एंड एक्सेप्टर. और देखो जिसके तरफ से गया, जैसे इसके तरफ से गया सल्फर की तरफ से ऑक्सीजन की तरफ गया, तो जो डोनर है उसके तरफ से टेल होगा, जो एक्सेप्टर है उसकी तरफ हेड होगा, ठीक है ना. उसका दो टाइप के और बॉन्ड है, एक होते हैं सिग्मा बॉन्ड, एक होता है पाई बॉन्ड. सिग्मा बॉन्ड रिलेटिवली स्ट्रांग होता है, ठीक है ना. और इसमें देखो डिफरेंस भी बताता हूँ. जैसे कोई सिंगल आप बॉन्ड देखते हो तो सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड देखते हो तो एक सिग्मा होता है एक पाई होता है, और ट्रिपल बॉन्ड देखते हो तो एक सिग्मा होता है दो पाई होता है, मतलब एक सिग्मा दो ऊपर व नीचे पाई, ठीक है ना. और क्या समझना है, सिग्मा बॉन्ड एक लीनियर ओवरलैपिंग्स होता है. लीनियर ओवरलैपिंग जैसे मान लो एच एच के बीच बॉन्ड बना रहे, तो इसको लीनियर ओवरलैपिंग ऐसे होते हैं. जैसे मान लो ऐसे, चाहे ऐसे समझ सकते हो, ठीक है ना. जैसे एच एच शेयर किया, तो अब एच में क्या होगा, एच का इस एच के पास क्या आ गया, दोनों आ गए, लेकिन इस एच के पास भी दोनों है, इसको बोलते हैं लीनियर ओवरलैपिंग, ठीक है ना. सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, लीनियर ओवरलैपिंग, लेकिन पाई बॉन्ड क्या होता है, साइड वाइज और लैटरल ओवरलैपिंग, ये ध्यान रखना. और सिंस द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन सिग्मा बॉन्ड इज लार्ज, ऑब्वियसली लार्ज होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, थोड़ा कम होता है पाई बॉन्ड से, सिग्मा बॉन्ड से पाई बॉन्ड थोड़ा कम होता है. और पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड इसलिए बोला जाता है कि आप तो आप बोलोगे भैया इन दोनों में, फिर इन दोनों में सबसे मजबूत कौन होगा, आप बताओ. एक सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इसमें सबसे मजबूत क्या होगा, सबसे मजबूत क्या ये होगा, क्योंकि मैंने बोला ना पाई बॉन्ड वीक होता है. नहीं भाई, सबसे मजबूत यही होगा, क्योंकि इसमें पाई है, पाई भले ही कमजोर है लेकिन एक सिग्मा एक तो है ना, तो इन यहाँ पे एक सिग्मा है, एक सिग्मा है, तो सिग्मा सिग्मा तो तीनों में है, तो सिंगल बॉन्ड तो तीनों में है ना. इसके बाद एक डबल एक्स्ट्रा है और यहाँ पे दो डबल एक्स्ट्रा, तो सबसे मजबूत होगा ये और सबसे मजबूत का. देखो अब देखते हैं, सबसे मजबूत है, सबसे मजबूत है. और एक और चीज़, एक और चीज़ इसमें देख लेते, बॉन्ड लेंथ आगे है, हाँ बॉन्ड लेंथ आगे है, वो कर लेंगे. हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, द फेनोमेना ऑफ मिक्सिंग ऑफ टू और मोर एटॉमिक और ऑर्बिटल ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी टू फॉर्म न्यू टाइप ऑफ आइडेंटिकल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन. अ न्यू टाइप ऑफ ऑर्बिटल ऑब्टेंड आर कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल. देखो ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें बहुत डिटेल में जाना होता है, ठीक है ना, लेकिन हमें उतना करना ही नहीं है, ठीक है ना, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए. जैसे एसपी ऑर्बिटल का मतलब होता है, जैसे कोई कोई सिंग मतलब कोई डबल बॉन्ड है, जैसे मान लो एच टू ओ, तो एच ओ ओ यहाँ पे है ना, तो दो अगर दो ही बॉन्ड है एक और दो, तो दोनों के बीच जो एंगल होगा ना वो 180 डिग्री होगा, और इसको बोलेंगे एसपी ऑर्बिटल. एसपी इसलिए बोलते हैं, देखो कभी भी यहाँ डबल बॉन्ड होता है ना, तो डबल बॉन्ड कभी भी एसपी इस हाइब्रिडाइजेशन में गिनती नहीं होता है, सिर्फ इतना ध्यान रखना, क्योंकि दो तीन चीज़ ही ध्यान रखना है, बाकी तो बहुत डिटेल में जाना है, वो तो हमें जाना ही नहीं है, ठीक है ना. अगर दो बॉन्ड है तो एसपी, तीन बॉन्ड है तो एसपी टू, गिनती कर सकते हो ना, लेकिन सिर्फ गिनती तभी करना, सिंगल बॉन्ड का गिनती करना, डबल बॉन्ड जैसे डबल बॉन्ड जहाँ पे आ गया उसको गिनती नहीं करते, ठीक है ना. एसपी टू जैसे कोई एनएस थ्री आ गया, एनएस थ्री में कितना एंगल होगा, 120 आएगा. एसपी थ्री में टेट्राहेड्रल, एसपी थ्री डी में ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, एसपी थ्री डी टू में ऑक्टागोनल, ये सब ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बस हो गया. बॉन्ड एनर्जी का मतलब क्या होता है भाई, जिस बॉन्ड को तोड़ने में जितनी कम एनर्जी, मतलब कितना एनर्जी लगता है आपको, इस बॉन्ड को आप तोड़ो, किसी चीज़ से तोड़ोगे ना, तो जितना कम, किस में देखते हैं कि कितना कम एनर्जी लगता है, किस में ज़्यादा एनर्जी, जितना एनर्जी लगेगा ना उसी को बॉन्ड एनर्जी बोलेंगे. तो आप बताओ किसको तोड़ सकते हो आसानी से, ऑब्वियसली ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत मजबूत है ना, क्यों, क्योंकि इसमें सिग्मा भी और दो पाई है, तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी लगेगा हमें ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने में, फिर डबल बॉन्ड को, फिर सिंगल बॉन्ड को, ठीक है ना. और एक और चीज़, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल बॉन्ड ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप बिटवीन एन एटम एंड द गैसीय स्टेट, समझ गए ना. द बॉन्ड एनर्जी किस चीज़ पे डिपेंड करता है, दूसरा पहला चीज़ डिपेंड करता है साइज ऑफ एटम, और सेकंड चीज़ मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड. मैं बताता हूँ क्या होता है, जैसे कोई साइज ऑफ एटम बहुत बड़ा है, जैसे साइज ऑफ एटम तो बहुत दूर दूर होगा ना, ठीक है ना, और साइज ऑफ एटम बहुत दूर दूर है, तो इस बॉन्ड को, जब एटम दूर दूर है तो इसको बॉन्ड को तोड़ना, बीच से जाके छुपके से तोड़ दो, आसानी से टूट जाएगा. तो जितना बड़ा साइज होगा बॉन्ड की एनर्जी कम होगी,
ठीक है ना, ग्रेटर द साइज ऑफ एटम लेसर विल बी बॉन्ड एनर्जी, मतलब जितना ज़्यादा साइज एटम का होगा उतनी आसानी से टूट भी जाएगा, लेकिन 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 बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी मतलब ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना ज़्यादा एनर्जी वाला होगा, सिंगल बॉन्ड को कम, डबल बॉन्ड को उससे कम या सिंगल बॉन्ड को उससे कम। तो सबसे ज़्यादा तोड़ने में टाइम एनर्जी लेगा ट्रिपल बॉन्ड, फिर डबल, फिर सिंगल। तो यहाँ देख लिया बॉन्ड एनर्जी। फिर बॉन्ड लेंथ क्या होता है भाई, एक चीज़ समझ लो, जो ट्रिपल बॉन्ड होगा वो सबसे छोटा होगा, डबल और नहीं, ये सबसे छोटा, ये उससे बड़ा है, उससे बड़ा है, मतलब सबसे बड़ा। अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें, बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा ज़्यादा, फिर ऐसे, ठीक है ना। देखो बॉन्ड लेंथ क्या होता है, द एवरेज इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू बॉन्डेड एटम। जैसे मान लो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो इसके सेंटर से इस लेंथ को बोलते हैं बॉन्ड लेंथ, ठीक है ना। यहाँ सेंटर, ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इसे भी दूरी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन है इसकी दूरी, इसको बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। बॉन्ड लेंथ डिपेंड करता है साइज ऑफ एटम पे और मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड पे। तो जितना ज़्यादा साइज होगा बॉन्ड लेंथ उतना ज़्यादा होगा, मैंने बताया ना, तभी तो उसको आसानी से तोड़ रहे थे ना आप। तो बॉन्ड लेंथ इन बॉन्ड लेंथ जितना ज़्यादा हो रहा है हमें तोड़ने में उतनी आसानी से मिल रही है, हमने देखा था ना। तो अगर एटम का साइज ही ज़्यादा बड़ा बड़ा है तो उसको बॉन्ड लेंथ लंबा और तोड़ देंगे आसानी से, और मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड ज़्यादा होगा तो मतलब जित मैंने तो अभी बताया ना, बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा किसका होगा, ट्रिपल का, फिर डबल का, फिर सिंगल का। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन एटम इज प्रेजेंट बिटवीन टू मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, देन इट्स बॉन्डेड टू बी वन बाई कोवेलेंट बॉन्ड एंड टू अदर बाई बिग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे मैं बताता हूँ क्या होता है, ठीक है। जैसे मान लो ये हाइड्रोजन, एक एक टब आप ले लेते हैं, एक टब, टब में आप H2O बार बार रख रहे हो, H2O बार बार रख रहे हो, तो इसके साथ तो एक कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन धीरे धीरे ये ओ इसके साथ साथ भी स्मॉल अट्रैक्शन बनाने लगा, दूसरे वाले मॉलिक्यूल के भी एच से बनाने लगता है। देखा है ना आपने कि एक हाइड्रोजन, ये तो आपस में कोवेलेंट बॉन्ड है, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये रहे ना, लेकिन ये दूसरे एच के साथ भी एक लूज अट्रैक्शन बनाने लगता है, जिसके कारण H2O बहुत सारे मॉलिक्यूल में मिल जाता है और क्या हो सकता है, लिक्विड में बन सकता, कन्वर्ट हो सकता है बहुत सारे मिलकर। तो इसी कारण H2O हमें वाटर के फॉर्म में दिखता है। तो अब देखो, ठीक है ना, तो इसीलिए H2O हमें वो लिक्विड दिखता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, और हमें H2S लिक्विड में नहीं दिखता क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता है, तो गैस के फॉर्म में रहता है रूम टेम्परेचर पे, समझे। उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड दो टाइप के होता है, एक इंटर मॉलिकुलर, एक होता है इंट्रा मॉलिकुलर। इंटर मॉलिकुलर, हमने इंटर कास्ट मैरिज का नाम सुने हैं, इसका मतलब दूसरे कास्ट में जाके शादी करो, दूसरे कास्ट शादी करो मतलब दूसरे मोल से जाके टकराओ, दूसरे मोल से थोड़ा अट्रैक्ट हो, अट्रैक्शन करो दूसरे, ये HF अलग था, HF अलग था, HF अलग, दूसरे से जाके टकरा रहे हैं, दूसरे से जाके अट्रैक्ट करें, इसको बोलते हैं इंटर मॉलिकुलर। और इंट्रा कब होंगे भाई, अपने में ये एक ही एटम था ना, OH इसमें लगा था, इसमें NO2 लगा था, तो ये OH आपस में ही अपने एक पर्टिकुलर एक मॉलिक्यूल है, इसी मॉलिक्यूल के अंदर एक कर रहा है, ऐसा थोड़ी है दूसरा हम बेंजीन और उस पर OH और उस पर NO2 ढूंढ रहे हैं उससे अट्रैक्ट कर, नहीं भाई अपने अपने में करता है तो उसको बोलते हैं इंट्रा मॉलिकुलर, और दूसरे से करता है तो उसको इंटर मॉलिकुलर, ठीक है ना। और क्या क्या है इसमें, इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड अराइज व्हेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग अकर्स बिटवीन टू वन, ये तो मैम देख लिया, व्हेन हाइड्रोजन, ये तो नॉर्मल है, कुछ है ही नहीं, ड्यू टू इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन अल्कोहल एंड वाटर, अल्कोहल इज सॉल्युबल इन वाटर। भाई जब जब भी हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे ना वो मिल जाएगा, देखो यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे मिथाइल अल्कोहल है, तो वाटर अल्कोहल आप मिल के कैसे जाते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, मिल जाता है भाई, नहीं बनाता तो नहीं मिल पाता, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन करेंगे, उसके बाद फिर सॉल्यूशन, ठीक है फ्रेंड, थैंक यू।